इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिरफिरे ने युवती को मारा चाकू, युवती की हालत सामान्य। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। जी हां, आज एक युवक ने सरेआम राह चलती युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवती लहूलुहान हो गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत LIB चौक पर सोमवार दोपहर में हुई। इसके तत्काल बाद मौके पर मौजूद लोगों ने हमला करने वाले युवक को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वह भी लहूलुहान हो गया। उसके चेहरे और सिर से खून निकलने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ कर ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि युवती छिदबरी ग्राम की रहने वाली है। वह LIV चौक हनुमान मंदिर सामने दादू मोहल्ला से निकल रही थी। इसी दौरान सुशील यादव वहां पहुंचा। वह साथ में चाकू लेकर आया था। दोनों के बीच में बहस हुई। सुशील ने चाकू निकालकर उसके गले व हाथ पर हमला कर दिया। ये देख मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर उसे पकड़ लिया। उसके बाद सुशील की जमकर लात घूसों से पिटाई की, जिसके उसके चेहरे और सिर से निकलने लगा खून। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। नागोतिया ने बताया कि आरोपी कोतवाली थाना प्रभारी महादेव सुशील यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। युवक ने युवती पर चाकू से क्यों प्रहार किया, इस बात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। SP रामजी बताता है कि लड़का उसके पीछे पर। श्रीवास्तव ने कहा कि युवती ने उसे परेशान किया। आज युवक ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।